けてたまる。सो हाय गाइस, जैसा मैंने कहा था मुंबई में हम मीटअप को अरेंज करेंगे गिरगांव चौपाटी पे, और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई एक भी आता है तो हम इस मीटअप को सक्सेसफुल समझेंगे और सेम मीटअप हम दिल्ली में भी कंडक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम मुंबई में हैं तो मुंबई के मीटअप के बारे में जानते हैं। हमारे साथ है आर्यो जो ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, 200 डेज प्लस लॉग इन है, और हमारे साथ सबसे मेन चीफ गेस्ट मुझे बोलना चाहिए ओमेगा भाई। तो आप देख सकते हो ओमेगा काफ़ी मेगा है यहाँ पे और यहाँ पे ब्लूपर्स में इनको ऐड करेंगे चाय वाले को, कोई बात नहीं। तो गाइस जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जन है, लेकिन कोई बात नहीं। सो अब हम आपसे पूछेंगे कि आपको लेजेंड्स में सबसे अच्छी टीम प्लेयर और सबसे गंदा एक्सपीरियंस कब हुआ, तो आप रेडी रहना। सबसे तो पहले यही पूछेंगे कि लेजेंड्स आपने ज्वाइन क्यों किया और आपने कहाँ पे पहला गेम प्ले देखा है इसका। मैंने पहले तो इंस्टाग्राम पे देखा, मतलब सब स्टोरी डाल रहे थे, मतलब हैशटैग फॉलो करता हूँ ना उसमें, और मेरे दोस्त को पूछा, एक जीशवान नाम का है वो खेलता है, तो उसने मेरे को बताया कि वेजिटोब्ल्यू गेम में आया इसलिए गेम का हाइप बढ़ गया, तो इसलिए मैंने भी स्टार्ट किया था। अच्छा, तो इन्होंने सेकेंड ईयर एनिवर्सरी से शुरुआत की है। ओके, तो सबसे बेस्ट प्लेयर आपको कौन सा लगता है लेजेंड्स में? सबसे बेस्ट मतलब मेरे को वेजिटोब्ल्यू ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा। अच्छा, और आपने नोटिस किया ही होगा क्योंकि अभी लेजेंड्स धीरे धीरे करके पे टू विन की ओर बढ़ रहा है। लाइक आपको सीसी खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको लेजेंड्स गेम में रहना है, मतलब जेनकाई करना ही पड़ेगा हर एक कैरेक्टर को अगर गेम में रहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि फ्री टू प्लेयर लोगों के लिए कुछ ऑप्शन छोड़ा है कि नहीं लेजेंड्स में? नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, और सीसी भी खरीदना बहुत महंगा है उस पर। राइट राइट, तो ओमेगा आप कुछ प्रश्न पूछेंगे इनसे? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं एक बात, तो सबसे बेस्ट टीम मेरे को ये बताओ, आपके हिसाब से नॉन जेंगा बेस्ट टीम कौन सी है अभी के लिए? मैं ज़्यादा तो फ्यूजन यूज़ करता हूँ। ओके, फ्यूजन वॉरियर्स, तो उसमें भी गोजीटा है जेंका है, तो उसके बदले कोई अच्छा रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से? मतलब गोजीटा मेरा जेंका ही वन पे ही है सिर्फ, और दूसरा कौन सा? बहुत सारे, ईएक्स गोजीटा है। हाँ, ईएक्स गोजीटा भी है। फ्री स्पार्किंग वेजिटो है। हाँ, वेजिटो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, अभी हम लेजेंड्स की बात कर ही रहे हैं, तो अभी तुझे तो पता ही होगा कि बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स हैं और मतलब उन लोग प्रमोट करते हैं लेजेंड्स का, लेकिन इंडिया में ज़्यादा कोई है नहीं। अभी हम लोग भी है, लेकिन हम लोग भी काफ़ी छोटे हैं। और सॉरी गाइस अगर आपको हवा का ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, क्योंकि हम बीच साइड पे, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो अगर हमें आगे बढ़ना है इंडिया में, अगर लेजेंड्स को और बड़ा करना है, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी होगी कि हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा मतलब इंडिया में भी लेजेंड्स का, जिससे प्लेयर पर मतलब मेरे भी बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 जन ही है, वो भी मेरे वजह से खेलते हैं। तू तो लकी है, तेरे बिल्डिंग में 4-5 जन है, हमारे आसपास कोई नहीं है सैकड़ों मील में बस ये हमारे कैमरामैन है ठीक है, अभी अभी तो इतना कुछ है नहीं। अभी लेजेंड्स पे गेम काफ़ी ड्राई है, ज़्यादा इवेंट नहीं है, और बहुत सारी बीच में थोड़ा सीन भी हो गया था क्योंकि उन्होंने एनर्जी को हटा दिया, लेकिन जब ज़्यादा हेट बढ़ने लग गया तो उन्होंने वापस एनर्जी को ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है लेजेंड्स में, और जैसा मैंने अपने एक वीडियो में कहा कि लेजेंड्स नहीं सुनता है हमारी, उन्हें बस पैसों से मतलब है, और क्योंकि 80% से ज़्यादा जापान में रेवेन्यू जनरेट होता है और 20% से बाहर से आता है, तो मेन सिर्फ वो जापान की ओर ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं। तो इस हिसाब से क्या लगता है लेजेंड्स टिकेगा आने वाले 3-4 सालों में, या क्योंकि ये गाचा गेम है, गाचा गेम ज़्यादा टिकता नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये टिकेगा या 1-2 साल में ही ख़त्म हो जाएगा? थोड़े चांसेस का मैं, पर अगर ग्राफिक्स और अच्छे करो और कुछ मतलब प्लेयर्स के लिए भी नए ये मतलब जैसे कि अल्ट्रा सिंह को सबको नहीं मिला, मतलब बहुत ही कम लोगों को मिला वैसे ही, और सीसी बहुत वेस्ट होता है उसमें, इसलिए प्लेयर का फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है मतलब कैरेक्टर ना मिलने की वजह से। राइट राइट, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब बहुत सारा क्या बोलते हैं शाफ्ट हो जाता है अपने साथ, और बहुत मूड ऑफ होता है क्योंकि मेहनत से हम 10-10, 20-20 कलेक्ट करते हैं, और फिर जब एक साथ 1000 डालते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि हाँ एक प्लेयर आ जाए, लेकिन नहीं होता, समझ में आता है अभी क्या करें। जैसा कहा, ये लॉटरी टाइप गेम है और इसीलिए लोगों का हेट भी होता है। ऑब्वियसली अगर मैंने महीना भर मतलब मेहनत करके मंथ मतलब 8,000-9,000 कलेक्ट किया, समझ गया, और मुझे कोई भी फीचर्ड प्लेयर नहीं आते, पुराने प्लेयर आते, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। क्योंकि अगर गेम में बने रहना है, या तो आपके पास जनकाई होने चाहिए या तो आपके पास न्यू प्लेयर्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मेरा तो क्वेश्चन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। वो मेरे का तुम क्या कहते हो? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये आप फ्री टू प्ले प्लेयर हो, तो आपके हिसाब से मुझे ये बताओ कि ये गेम को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो फ्री टू प्ले के हिसाब से?
इम्प्रूव तो फिर कुछ ग्राफिक्स थोड़े अच्छे हो जाए और भी टूर्नामेंट मोड वो सब चालू हो जाए उसमें। अच्छा, जैसे कि डीबीजी जूम था ना, हाँ, उसने बताया था टूर्नामेंट मोड वो सब। और आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि एक फ्री टू प्ले मतलब नॉर्मल एक टूर्नामेंट रखे जिसमें आप अपने स्किल बेस से ऊपर पहुँचो एंड आपको रिवॉर्ड्स में अच्छे सीसीज एंड वो सब मिले, तो आपका कहना ये है। और एक टाइम अच्छा मतलब ज्यादा पीवीपी हो, हाँ ये भी मतलब लैग इश्यूज और वो सब कम हो जाए तो काफी सही रहेगा, है ना। तो ये सब फ्री टू प्ले का यही प्रॉब्लम है, मेरा खुद का भी ये प्रॉब्लम है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे को ये पूछना है, ये मैं नॉर्मली सभी चीज को यही पूछता हूँ, मेरे हिसाब से तो ज़ेंकाई मेटा हो चुका है अभी, सबको ज़ेंकाई चाहिए ही चाहिए खेलने के लिए। अगर तुम पुश करोगे ना टॉप 10,000 के लिए ज़ेंकाई होना ही चाहिए, तो क्या आप इससे एग्री करते हो ज़ेंकाई होना चाहिए या फिर आप बिना उसके भी कर पाओगे या फिर पहुंच पाओगे? ज़ेंकाई कभी कभी नीड बन जाता है, मतलब अभी गोहान बिना ज़ेंकाई के तो वीक है थोड़ा, तीन गोहान वो समझ। नहीं, ये एक बात है कि तुम बिना ज़ेंकाई के भी टॉप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, स्किल्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ज़ेंकाइज में ऐसे ऐसे एबिलिटीज है कि मतलब कभी कभी ओपी प्लेयर होने के बावजूद हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम डैमेज भी नहीं लगता है, इतना डिफेंस उनका इतना कड़क होता है। और अभी तो 14 स्टार सिस्टम है तो अभी मुझे बोलना ही नहीं है, एक टाइम था जब 7 स्टार सिस्टम हुआ करता था और अभी डायरेक्ट 14 स्टार कर दिया है, तो डिफेंस तो इतना गंदा होता है लोगों का, भले ही तुमको न्यू प्लेयर मिले लेकिन वो तो रहेगा 2 स्टार पे ही, और सामने कोई ओल्ड प्लेयर लेके भी आए लेकिन अगर वो 14 स्टार मैक्स आउट है तो तुम्हारी कोई औकात नहीं उसके सामने, इवन तो तुम्हारे पास न्यू प्लेयर। स्टार बहुत ही मैटर करते हैं लेजेंड्स में, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा खुद का जीरन 7-8 स्टार का है अभी, बट मैं अगर उसको पीवीपी में रन करता हूँ ना, मैं आराम से कोई भी ब्लू यूनिट को निकाल सकता हूँ। ये बहुत ही बड़ा चेंज हो जाता है एक्चुअली, जब स्टार्टिंग में 3 स्टार का था अनलॉक किया था बट तभी कुछ नहीं था, बट अभी 7 स्टार प्लस बहुत ही अच्छा है वो। तो स्टार्स मैटर करते हैं, समनिंग मैटर करता है, जो कि अभी पेड टू विन हो चुका है जैसे वेजिटा ने बोला, तो मेरे हिसाब से तो फ्री टू प्ले के लिए कुछ करना चाहिए इन लोग को। ठीक है ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा आपने देखा मीटअप काफ़ी छोटा था और मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन ये आए, वो भी दादर से आए, मतलब बहुत ही दूर है कंपेयर करो जहाँ पर अभी हम हैं। और बंदे को डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट भी अभी जाना है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया, तो मतलब रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से इनको, आपके हिसाब से कौन सा न्यू कैरेक्टर आना चाहिए इन गेम? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर, मास्टर यूआई आना चाहिए, जो भी इन लोगों ने सर्वे में भी पूछा था, तो आपने वही क्लिक किया था मास्टर यूआई आना चाहिए लिख के? नहीं, सर्वे नहीं किया अभी तक। नहीं भाई, कर लो, इन गेम 500 CC मिलेगा फ्री। लेकिन अगर मास्टर यूआई आ गया तो अभी देखो कैसा होता है, जैसा हमने देखा गोजिटा और जनेम्बा के साथ ये हुआ है, उन्हें वापस गेम में उतारा था एलिमेंट चेंज करके, पहला ओरिजिनल गोजिटा जो ज़ेंकाई हो चुका है अभी रेड था, फिर उन्हें वापस रिवैम करके गोजिटा किया वो ग्रीन कर दिया उसको, और जनेम्बा का पर्पल था उसे रेड कर दिया, तो ये सारी चीजें होगी आगे जाके अगर अभी से ही सारे प्लेयर एक साथ आ जाते हैं ताबड़तोड़। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि ड्रैगन बॉल में बहुत सारे प्लेयर्स है, जी में भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसा हमने देखा कि यामचा को SP मिल सकता है, लॉन्च को SP मिल सकता है, तो मास्टर टाओ जो असासिन है जो अपने जबान से धराशायी कर देते हैं अपने ओपोनेंट को एनिमी में, रोशी भी है, LF रोशी भी आ सकता है, ये भी काफी हाइप और एक अच्छा है जो कि मेका फ्रीजा, हाँ वो भी आ सकता है, बहुत सारे प्लेयर है, किंग वेजिटा, बारडॉग, बारडॉग तो आ चुका है, किंग कोल्ड भी है, और फिर और अभी भी यूनिवर्सल आर्क तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, बहुत कम, सबसे लेस टैग वही है उसके हिसाब से, प्लेयर नहीं है उतने। यूनिवर्स 2 का सबसे लेस है, सिर्फ 3 कैरेक्टर है और 3 ही एक्सेस। मैं यहां पे यूनिवर्सल टैग की बात कर रहा हूं। हां, पर उसमें यूनिवर्स ऑफ आर्क है, यूनिवर्स 2 में सिर्फ 2-3 ही लोग हैं, सब बोल रहा हूं। और रिवारिन पसंद है? हां नहीं, मेरे को सिर्फ एंड्रॉइड 21 पसंद है, अब भी बता रहा हूं मैं, और कोई नहीं। कोई फेवरेट फीमेल कैरेक्टर लेजेंड्स में? 18 Android 18, अच्छा 18 तुम्हारा? ओके, मेरा भी 18 ही है, अभी जो ज़ेंकाई मिला है उसको। अच्छा, काफी अच्छा है। मेरी कैमरामैन का चीची चीची। अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर आपने वेजिटा ब्लू बोला, ओके, आपका वेजिटा भाई? देखो ऐसे तो नहीं है कि बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर है, अब मेरा अभी मैं मॉडल्स का बता देता हूँ, वो हमेशा रिसेंटली बताता है कि उसका जो ज़ेंकाई गोहान है सुपर सेंट उसका सबसे फेवरेट कैरेक्टर वो है। और अगर मेरी मैं बात करूँ, क्योंकि मैं गेम खेलता नहीं हूँ लेकिन ओरिजिनली मैं वेजिटो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं वेजिटो ब्लू कहूँगा, लेकिन अभी वो नर्फ हो चुका है एनिवर्सरी प्लेयर होने के बावजूद। लेकिन अगर फेवरेट कैरेक्टर, अगर मैं एज की बात करूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं ज़ामासु को बात करता हूँ, यहाँ पे मर्ज ज़ामासु काफ़ी अच्छा एज हुआ है और काफ़ी अच्छा डैमेज भी करता है, मैं वेजिटा ब्लू भले ही फेवरेट हो लेकिन मैं मर्ज ज़ामासु को चूज़ करता हूँ यहाँ पे। अच्छा,
मेरे से तो पूछना बेकार ही रहेगा क्योंकि सबको मालूम है मेरा फेवरेट कौन है, नेमेक गोकू। मुझे लगा तू एंड्रॉइड 21 बोलेगा। वो फीमेल में, मेल में नेमेक गोकू है। मेल प्रेफरेंस मतलब कैरेक्टर वाइज ऐसा, नॉट गे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और गोवान भी कौन सा अच्छा आ जाए, मतलब सुपर वाला? हाँ सुपर वाला एक मिस्टिक ही आया है पर हाँ, उतना पर जस्टिस मांगा में अच्छा था। मांगा की बात ही कुछ और होती है, उसका यूनिफॉर्म भी मांगा में अलग था, पिकलो का था वो, और प्लस कैफला भी सुपर सेंटू नहीं थी मांगा में। बहुत सारे लूपहोल्स है लेकिन ठीक है, अभी हम इस पे अलग डिबेट करेंगे तो वो अलग ही वीडियो बन जाएगा। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो हमने क्या किया, टाइम स्किप किया और यही था मुंबई का मीटअप। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, और मेरे हिसाब से भले ही जैसा मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि कोई एक भी आया मैं इसे सक्सेसफुली मानूंगा, और मैं इसे सक्सेसफुल मानता हूँ, जल्दी हम दिल्ली में भी कंडक्ट करेंगे। इफ़ पॉसिबल तो मैं दिल्ली भी आऊँगा, मॉडल से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी होगी, उसका भी अलग से व्लॉग तैयार होगा। और तो कुछ नहीं, बस इतना ही है आज की वीडियो में अपना। मैं अगर मेरा अगर 2000 हो जाते ना गाइस कंप्लीट सब्सक्राइबर, तो मैं फिर से मीटअप रखूंगा, और उसमें वेजिटा भी आना पड़ेगा इसको। अरे मैं तो आऊँगा ही, मैं आऊँगा तो वो बड़ा मीटअप होने वाला है, तो भाई जल्दी जल्दी पहुँचा दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई के भी, है ना। और सो गाइस यही था मुंबई का मीटअप, और ये सक्सेसफुल रहा, सेम मीटअप दिल्ली में भी कंडक्ट होगा। और मैं ओमेगा को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि कितने शॉर्ट पीरियड पे मतलब ये आया, और मैं खुद सरप्राइज हो गया, मुझे लगा नहीं था आएगा। और स्पेशली इनके लिए सबसे मेन थैंक यू इनके लिए, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कोई आएगा, लेकिन ये आए। और बस और यही था गाइस, ये जो मीटअप हुआ है उसका सरप्राइज वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा, जो कि मैं इसको बताता नहीं हूँ कि मैं आ रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली खुद ही इसको बोलता हूँ मैं नहीं आने वाला, बट फिर भी मैं आता हूँ। तो ये सरप्राइज आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, व्लॉग टाइप का वीडियो है, तो जरूर देखना। ऑब्वियसली मैं पहचान नहीं पाया कौन है। थैंक यू।